दोस्तों आज मेरे पास है फोटो इलेक्ट्रिक स्विचेस जिन्हें लाइट कंट्रोल सेंसर भी कहते हैं। इन स्विचेस को दोस्तों आप रोड लाइट्स या गार्डन लाइट्स के लिए यूज कर सकते हो। बेसिकली क्या होगा कि जैसे ही रात या फिर शाम होगी तो जो लाइट इससे कनेक्टेड है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इन स्विचेस के बारे में कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और साथ ही इसका वायरिंग वर्किंग करके दिखाने वाला हूं, डेमोंस्ट्रेशन। मेरे पास दो साइजेस की ये स्विचेस अवेलेबल है, एक स्मॉल और एक बिग। तो चलो वीडियो में सब डिस्कस करते हैं कि क्या इसके स्पेसिफिकेशंस है, फीचर्स है, टेक्निकल पैरामीटर्स क्या है, वायरिंग वर्किंग कैसी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट करना ताकि आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजिंक्य और आप देख रहे हो ऑटोमेशन विद आशीष। तो ये बेसिकली है क्या, कौन से सेंसर इसमें यूज होते हैं जो लाइट को सेंस करके इससे कनेक्टेड आउटपुट लाइट ऑन एंड ऑफ करते हैं। दोस्तों इसमें यूज होते हैं LDR स्विचेस, यानी लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स। ये LDR स्विचेस आपने इसके पहले भी देखे होंगे, इसके ऊपर मैंने वीडियोस भी बनाया है, वो वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। LDR स्विचेस में दोस्तों क्या होता है, जैसे ही इनके ऊपर लाइट गिरती है इनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो फ्लक्चुएट होता है और जिसकी वजह से करंट इनके अंदर से फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी प्रिंसिपल का एप्लीकेशन करके ये स्विचेस बनाए हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस पर आप 230 वोल्ट्स के AC लोड चला सकते हो। अब वो कितने एम्पियर के चलाने हैं वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में कवर कर लेंगे, लेकिन उससे पहले इसके फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो ये जो बॉडी है वो प्लास्टिक की बॉडी है और यहाँ पर लगा हुआ है एक LDR सेंसर। इसमें बड़ा वाला लगा है, इसमें छोटा वाला लगा है, दैट इज व्हाई द साइज डिफरेंस। बाकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो साइज के हिसाब से काफी स्टर्डी है। इसमें आपको एक स्क्रू जैसा पैटर्न मिल जाता है, इससे आप इसे किसी भी इसके साइज के होल में डालकर स्क्रू से टाइट कर सकते हो। ये एक्सटर्नल लाइट पर चलते हैं। अगर आप इसे आउटडोर यूज करना चाहते हो आउटडोर कर सकते हो, इनडोर यूज करना चाहते हो इनडोर कर सकते हो। एनवायरमेंटल लाइट कंडीशंस पर ये आउटपुट को स्विच करते हैं। इन दोनों सेंसर्स में दोस्तों सिर्फ साइज का ही डिफरेंस है, तो मैं अभी आपको एक सेंसर के बारे में कंप्लीट बता देता हूं। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस इसके देख लेते हैं। ये 220 वोल्ट से 240 वोल्ट AC पर चलता है। 5 एम्पियर तक का करंट ये हैंडल कर सकता है। इस पर आप 600 वाट का कोई टंगस्टन लोड लगा सकते हो या 480 वाट का बैलास्ट लोड लगा सकते हो। टंगस्टन के केस में 5 एम्पियर करंट खाएगा और बैलास्ट लोड केस में ये 4 एम्पियर करंट खाएगा। इसमें दोस्तों टोटल 3 वायर्स हैं, व्हाइट, रेड और ब्लैक, जिसमें से ब्लैक है लाइन, व्हाइट है न्यूट्रल और रेड है लोड आउट। इस सेंसर के केस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वायरिंग समझ के ही आपको वायरिंग करनी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स रेड को हम फेज समझ लेते हैं, यानी लाइन समझ लेते हैं, और ब्लैक को न्यूट्रल समझते हैं और व्हाइट को लोड आउट समझते हैं। ऐसे करोगे तो सेंसर भी खराब हो जाएगा और आपका लोड भी खराब हो सकता है। डायमेंशन की बात करें तो ये है 28 mm, ये है 22 mm अप्रोक्सीमेटली, और इस सर्कल का जो डायमीटर है वो है 16.2 mm। अगर छोटे सेंसर की बात करें तो डायमेंशन अलग रहेंगे, छोटे रहेंगे। एप्लीकेशंस दोस्तों इसके मैंने आपको बता दिए हैं। आप रूम लाइट कंट्रोल करने के लिए भी इसे यूज कर सकते हो। जैसे कोई बेसमेंट की लाइट है जो सिर्फ रात के टाइम ही आपको ऑन चाहिए, दिन में ऑफ चाहिए। उसके बाद रोड की जो लाइट्स होती हैं, छोटी लाइट्स, उनके लिए यूज़ कर सकते हो। गेट के लाइट्स के लिए यूज़ कर सकते हो, गार्डन लैंप्स के लिए यूज़ कर सकते हो। तो 5 एम्पियर 4 एम्पियर तक का जितना भी लोड आपका रहेगा लाइट का, उनके लिए आप इन सेंसर्स को यूज़ कर सकते हो। ऑटोमेशन के लिए ये सेंसर्स दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छे भी हैं। इनकी परचेस लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन एक बार चेक करना मत भूलना दोस्तों। ब्लैक टी इलेक्ट्रोटेक कंपनी ने मुझे प्रोवाइड किया है और अभी हम इसकी वायरिंग देखेंगे, उसके बाद इसका वर्किंग डेमोंस्ट्रेशन देख लेंगे दोस्तों। सबसे पहले इन तीनों वायर्स को इन कनेक्टर के अंदर लगा देते हैं एक साइड में। अब AC फेज न्यूट्रल की बारी। ब्लैक वायर लगाई ब्लैक टर्मिनल को, अब रेड वायर लगाते हैं हम व्हाइट वाले टर्मिनल पर। ये पॉइंट लोड से भी कनेक्ट होता है, तो लोड की ब्लैक वायर कनेक्ट कर लेते हैं इसे। अब लगाते हैं ये व्हाइट टर्मिनल पर। और फाइनली लोड की रेड वायर कनेक्ट करते हैं रेड टर्मिनल पर। कनेक्शंस आर डन फ्रेंड्स, अब बारी है इसे टेस्ट करने की।
तो आपने देखा कि लाइट सेंसर पर आने के बाद थोड़े डिले के बाद ये लोड को ऑफ करता है। सो गाइस, आई होप कि ये सेंसर्स आपको जरूर पसंद आए होंगे। ये सेंसर आपके बहुत काम आ सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो इस पर प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, जो सेलर है वो इसे रीसेल कर सकते हैं। बल्क क्वांटिटी के लिए आप ब्लैक टी इलेक्ट्रोड एक कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप सेलर हो तो, स्टूडेंट हो तो आप इससे आपके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। अगर आप नॉर्मल इंसान हो मेरी तरह तो आप आपके घर में इसे इंस्टॉल कर सकते हो या फिर गार्डन लाइट्स के लिए इन्हें इंस्टॉल कर सकते हो। दिस प्रोडक्ट हैज अ वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस एंड इज परफेक्ट फॉर ऑटोमेशन। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो प्लीज दोस्तों कमेंट करके पूछ लेना। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जिन लोगों ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब किया उन सभी लोगों को थैंक यू सो मच, और जिन लोगों ने नहीं किया है कोई टेंशन नहीं है, ऐसी कुछ वीडियोस में हमेशा आपके लिए लाते रहूंगा।